हनुमानगढ़ नीलगाय के शव को नियमानुसार न दफनाने के विरोध में रविवार अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा के सदस्यों ने वन विभाग के कर्मचारियों की कार्य प्रणाली के खिलाफ आक्रोश जताया। संगठन के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र लांबा ने बताया कि मक्कासर निवासी कुलदीप कुमार जाट ने गत रात्रि 11 बजे 4 STG में किसी किसान के खेत में लगी कंटीली तारों के कारण कटने से नीलगाय की मौत हो गई के बारे में सूचना देने के लिए वन विभाग के रेंजर को कई बार फोन किया, लेकिन रेंजर ने फोन नहीं उठाया। तो वहीं बताया कि रविवार सुबह दोबारा फोन करने पर रेंजर ने जयपुर में होने की बात कहकर किसी और कर्मचारी को भेजकर मौका स्थल पर भेज दिया, जो नीलगाय के शव को लेकर वन विभाग आ गया। सूचना पाकर जब वन्य प्रेमी वन विभाग पहुंचे तो वहां उन्हें मालूम हुआ कि बिना पोस्टमार्टम किए ही नीलगाय के शव को अबोर रोड पर पक्की नहर की पटड़ी के समीप दफना दिया गया है। वन जीव प्रेमी जब मौका स्थल पर पहुंचे तो वहां शव को दफनाने के लिए 5-6 फुट गहरे गड्ढे की जगह वहां पर पहले से मौजूद गड्ढे में शव को डाल ऊपर से थोड़ी मिट्टी डाल दी गई थी। यह सब देखकर वन्य जीव प्रेमी आक्रोशित हो गए। सूचना पाकर मौके स्थल पर रेंजर बलवीर सिंह आदि पहुंचे तो संगठन सदस्यों ने सारी वस्तु स्थिति से अवगत करवाते हुए दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तो वहीं सुरेंद्र लांबा ने बताया कि विभाग के कर्मचारियों ने नीलगाय के शव को न तो नियमानुसार दफनाया और न ही पोस्टमार्टम करवाया। इसके अलावा नीलगाय के शव को वन विभाग की भूमि की जगह किसी और स्थान पर दफना दिया गया। विभाग के कर्मचारियों ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर नियमानुसार वन विभाग की भूमि में दफनाने और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न करने का आश्वासन देने पर वन्य जीव प्रेमी शांत हुए। इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सावराम बिश्नोई, प्रदेश अध्यक्ष शिवराज जाखड़, तहसील अध्यक्ष कुलदीप सहारन, शिवलाल नरुका, चुनीलाल हनुमान भादू, नवीन गोदारा, शिव राठौड़ आदि मौजूद थे। ये मक्कासर रोई में कोबरा तार लगे हुए हैं और उसका वो अपने साथी है एक कुलदीप जी, उन्होंने केस भी किया था, SDM से परमिशन थी भी कोबरा तार उतारने की, उसके बावजूद वहाँ तार लगी हुई है और उसमें रात तकरीबन 11 बजे नीलगाय आके उसे कट गई और 11 बजे से ही वन विभाग को फ़ोन कर रहे हैं। वन विभाग के अधिकारी वहाँ पर कोई नहीं पहुँचा, डॉक्टर नहीं पहुँचा, वो सुबह पहुँचे हैं, सुबह वहाँ से जिंदा इन्होंने भेजा है और अब यहाँ रोडावाली की नहर के पास या खतान में डाल के थोड़ी सी मिट्टी डाल के इसको दफना दिया बगैर पोस्टमार्टम के। राजस्थान से जुड़ी हर खबर सबसे पहले प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रिपोर्ट एक्सक्लूसिव और पाएं राजस्थान की हर छोटी बड़ी हलचल बस एक क्लिक में सीधे आपके।